क्लासेस, माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए व्हिप क्रीम के साथ कैसे काम करना है, उसे प्रॉपर कैसे फेंटना है, ये वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। केक पे जो आइसिंग करते हैं उसके लिए व्हिपिंग क्रीम का यूज किया जाता है। व्हिपिंग क्रीम जो है ऐसे 1 किलो के पैक में मिलता है। मार्केट में टॉपोलाइट प्रीमियम, गोल्डन मार्क, रिच गोल्ड, डिलाइट प्लस, क्रीम बेल ऐसे अलग अलग कंपनियों के व्हिप क्रीम अवेलेबल है। ये बॉक्स के ऊपर लिखा होता है व्हिप टॉपिंग या व्हिपिंग क्रीम। बहुत लोगों का व्हिप क्रीम और फ्रेश क्रीम में कन्फ्यूजन होता है। मार्केट में ये अमूल का फ्रेश क्रीम मिलता है। ये फ्रेश क्रीम अलग है और व्हिप क्रीम अलग है। आइसिंग के लिए हमें सिर्फ व्हिप क्रीम ही यूज करना है। आपके एरिया में जो व्हिप क्रीम अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हो। आप अच्छे क्वालिटी का क्रीम यूज करो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये जो व्हिप क्रीम का बॉक्स है उसे हमें कंपलसरी फ्रीजर में स्टोर करना है। अगर आप इसे नीचे फ्रिज में रखोगे तो ये खराब हो जाएगी क्रीम, तो ये बॉक्स हमें ऐसे के ऐसे फ्रीजर में रखना है। जब हमें केक के लिए ये क्रीम यूज करना है उससे 4 से 5 घंटे पहले हमें ये फ्रीजर से निकाल के नीचे फ्रिज में रखनी है, क्योंकि जब भी हम ये क्रीम फेंटने के लिए लेंगे तब ये क्रीम जो है वो पूरा चिल्ड होना चाहिए, पूरा हाथ को ठंडा लगना चाहिए। अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी है तो रात के समय आप ये काम कर सकते हो, और आपके पास एसी है तो आप एसी में भी ये क्रीम के साथ काम कर सकते हो। चलिए तो देखते हैं ये क्रीम को कैसे फेंटना है। क्रीम फेंटने के लिए हमें ऐसे एक बड़ा बाउल लेना है। आप प्लास्टिक या स्टील का भी ले सकते हो, स्टील का बेटर है। मेरे पास जो स्टील का बाउल है वो एंगेज है, इसलिए मैं इसमें फेंट रही हूँ। क्रीम फेंटते समय हमें ऐसे लिक्विड ही चाहिए, उसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं चाहिए। आपको अगर अर्जेंट केक बनाना है तो आप ये क्रीम का बॉक्स ठंडे पानी के बकेट में खड़ा करके रख सकते हो। यहाँ मैंने ये क्रीम बाउल में निकाला है। बहुत सारा क्रीम एक साथ नहीं फेंटना है तो वो क्रीम ड्राई हो जाता है। क्रीम फ्रिज से बाहर निकालने के बाद बहुत टाइम हो गया है और ये हाथ को ठंडा नहीं लग रहा है, चिल नहीं लग रहा है, तो आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए नीचे फ्रिज में रख सकते हो। और अगर आपके पास बहुत गर्मी है, आपको जल्दी में काम करना है, तो ऐसे बाउल में आइस के क्यूब्स रखिए और उसके ऊपर आप ये क्रीम का बाउल रखिए। व्हिप क्रीम फेंटने के लिए हमारे पास 300 से 400 वाट का इलेक्ट्रिक बीटर होना जरूरी है। बीटर अगर कम वाट का होगा तो वो क्रीम फेंटने के लिए बहुत टाइम लेता है। उसके ब्लेड गर्म होते हैं और ब्लेड की गर्मी की वजह से क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट होती है। यहाँ मैंने ये चिल्ड व्हिप क्रीम लिया है, उसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है। हमें डायरेक्ट हाई स्पीड पे ये क्रीम फेंटना स्टार्ट करना है। जैसे जैसे हम ये क्रीम फेंटना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे ये क्रीम जो है वो थिक होना स्टार्ट होती है। हमें इस क्रीम की रिबन कंसिस्टेंसी आने तक इसे ऐसे ही कंटिन्यू हाई स्पीड पे फेंटना है। ये क्रीम को मैंने 3 से 4 मिनट रिबन कंसिस्टेंसी आने तक अच्छे से फेंटा है। ये क्रीम प्रॉपर थिक हो गई है। आप ऐसे ये लाइंस देख सकते हो, इसे रिबन कंसिस्टेंसी ऐसे बोला जाता है। और ये क्रीम प्रॉपर थिक भी हो गई है, आप देख सकते हो। हमें इसे स्ट्रिप पॉइंट आना चाहिए इसका, तो ये हमारी जो क्रीम है वो परफेक्ट रेडी है। इसमें हमें ऐसे स्पैचुला डाल के देखना है, स्पैचुला उल्टा करके देखना है, क्रीम नीचे नहीं गिर रही है, मतलब ये हमारी क्रीम केक आइसिंग के लिए परफेक्ट रेडी है। केक बनाते समय आप पहले ही बहुत सारा क्रीम फेंट के मत रखो। पहले आप लेयर्स वगैरह केक के कट करो और उसके बाद आप क्रीम फेंटना स्टार्ट कीजिए। बहुत टाइम पहले से ही क्रीम फेंट के रखने से क्रीम जो है ड्राई हो जाती है। अगर क्रीम ड्राई हो गई है तो उसके ऊपर हल्के से हाथ से पानी छिड़कना है और उसे स्पैचुला से ऐसे फिर से थोड़ा सा फेंटना है। अगर आपने पहले से ही क्रीम फेंट के फ्रिज में रखी हो तो उसे बाहर निकालने के बाद
उसे स्पैचुला से थोड़ा सा फेंटना है और बाद में ही केक के लिए यूज करना है। 3 से 4 मिनट हाई स्पीड पे फेंटने के बाद ये हमारी क्रीम केक आइसिंग के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे कुछ ऑनलाइन क्लासेस है उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।